हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। वो भी मैं पंजाबी स्टाइल में बनाऊंगी, तो आप लोग वीडियो मेरा पूरा पूरा देखिए। छोला को मैंने रात को ही फूलने के लिए डाल दिया था और ये बिल्कुल ही कच्चा है। आज बिना मैं उबाले ही छोला बनाऊंगी। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप इस तरह के बना सकते हैं। पहले वीडियो में भी मैंने छोला का रेसिपी डाला था, तो आज भी मैं दूसरे तरह के तरीका से बनाने जा रही हूँ। तो शुरू करती हूँ मैं इसे बनाना। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है और 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर अदरक लिया, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है और ये मैंने बारीक ये हरा मिर्च लिया है। सबको मैं मिक्सी में डालकर पीस लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मिक्सी में डाल लिया है और साथ में मैं खड़ा मसाला भी इसमें डालकर पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसालों को पीस लिया है, अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दरदरा ही इसे पीसा है। तो यहाँ पर मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, मैंने तेल यहाँ पर 3 चम्मच डाला है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। तो मैंने सूखा लाल मिर्च डाला है, ये मैं तेज पत्ता 2 डाली हूँ। अब हम इसमें पिसा हुआ पेस्ट को डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। आप इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मिलाते हुए भून लें ताकि ये नीचे से चिपके ना। हमारा मसाला है जो भुंजा गया है, अब मैं इसमें टमाटर डालने के लिए काट लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिया है, अब मैं इसे काट कर मिक्सी में डालकर पीस लेती हूँ। मैंने टमाटर को पीस लिया है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मिला लेते हैं 2-3 मिनट तक ताकि मसालों के साथ टमाटर भी अच्छे से पक जाए। मसाले के साथ टमाटर भी अच्छे से भुंजा गया, अब मैं इसमें सूखा मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला है, 1 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है, मैंने यहाँ हल्दी गोलकी और जीरा का मैंने डाला है। तो मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। इसे 5 मिनट तक आप इसी तरह मिलाते रहें। तो यहाँ पर मसाला है जो भुंजा गया है अच्छे से, अब मैं इसमें छोला को ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसमें छोला को डाल दे रही हूँ, मिला लेते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं ताकि मसालों के साथ छोला भी 1-2 मिनट तक हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड कर रही हूँ और इसे हम मिला लेते हैं। यहाँ पर हम 1 कप पानी डाल रहे हैं छोला को पकने के लिए और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और 6 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा दिया है, अब 6 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर सीटी आ गया है, 5-6 सीटी लग गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा सीटी है जो ठंडा हो गया है, अब मैं कुकर को खोल लेती हूँ। मैंने हटा लिया है, अब मैं आपको दिखाते हैं कि हमारा छोला है जो बिल्कुल ही पक गया है। ये देखिए, अब हम मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। 500 ग्राम यहाँ पर आटा लिया है, मतलब मैदा लिया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 1 कटोरी दही डाल रहे हैं और अच्छे से इसे पहले मिला लेते हैं।
यहाँ पर हमने अच्छे से दही को मिला लिया है आटे में। तब तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। जब भी आप भटूरे के आटा लगाते हैं तो उसमें पानी नहीं डालें, उसमें दूध डालें। दूध से क्या होता है कि भटूरा है जो बहुत सी सॉफ्ट बनता है। और इसे इस तरह से मिलाते मिलाते आप गूंथ लें। अगर आपको दूध कम लगे तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें दूध डालते जाए और इसे इस तरह से मिला लें। तो यहाँ पर हमने भटूरे के आटा लगा लिया है। अब हम इसे फूलने के लिए, सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक इसे रख देते हैं। यहाँ पर हमारा मैदा है जो सेट हो गया है, तो हम इसे एक बार और इस तरह से मसल लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा लिया है। अब थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ और इस तरह से गोल बनाकर इसे पेड़े का शेप दे देती हूँ। और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5-6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। एक एक रख कर इस तरह से बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी को बेल लिया है। थोड़ा सा इसे हम ज़्यादा पतला नहीं रखे हैं, थोड़ा सा हमने इसे मोटा ही रखे हैं ताकि भटूरा है जो अच्छे से फूले। इसी तरह से हम दूसरा भी पूरी बेल लेते हैं और सारे पूरी को हम इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारा तेल गरम हो गया है और यहाँ पर मैंने सारे भटूरे का है तैयार कर लिया है। अब मैं एक एक करके इसमें डाल देती हूँ। अब भटूरे जो फूलने लगा है तब तो मैं इसे इस तरह से घुमा लेती हूँ चारों तरफ से और इसे दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। इसी तरह पलट पलट कर आप इसे गोल्डन सुनहरा होने तक आप तलते रहें। अब मैं इसे दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। इसी तरह पलट पलट कर आप भटूरे को तल लीजिए। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी तरह से मैं सारे भटूरे को तल लूंगी। यहाँ पर मैंने सारे भटूरे तैयार कर लिया तलकर और साथ में मैंने छोले भी तैयार कर लिया है। तो आप इसे गर्मा गर्मा सर्व करें, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।